हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे और घर पे मजे कर रहे होंगे लॉकडाउन में। तो मेरा नाम है दीपक गोस्वामी, मैं हूँ एक ट्रैवल ब्लॉगर, ट्रैवल और लाइफस्टाइल ब्लॉगर। तो आजकल लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल तो कहीं हो नहीं पा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में ही वीडियो बना दी जाए अपनी, कि मैं क्या ही कर रहा हूँ घर पर बैठ के। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रेड लॉक की और जटाओं की। तो पहले हम बात करते हैं कि ड्रेड लॉक होता क्या है। जटाएं जैसे आपने देखा होगा शिव जी की होती हैं और बाबा लोग रखते हैं, और यंगस्टर भी काफ़ी रख रहे हैं इस टाइम पे, और रैपर्स रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रख लूँ। आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, नहीं देखी तो देख लो एक बार जाके। मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं, 2 साल समथिंग मैंने अपने बालों को दे दिए हैं। बाल बड़े हो गए मेरे समथिंग 2 साल में, यहाँ यहाँ तक आ गए हैं। आई थिंक ये और बड़े हो जाते बट मैंने बीच में ये नीचे से 2 मुँह हो जाते तो मैं इनकी छटिंग करा देता था, तो इस वजह से ये ज़्यादा बड़े नहीं है। मैं कटिंग करवाते रहता था इनके नीचे से। तो बट अब मैंने सोचा है कि मैं इनके ड्रेडलॉक बनाऊंगा, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए हैं ये। मैं कुछ नहीं करता इनमें, बस वॉश करता हूँ और वैसे छोड़ दिए हैं। पहले हम बात करते हैं कि ड्रेडलॉक होते हैं कितने प्रकार की, जटाएं होती हैं किस किस प्रकार की। हैं 3 टाइप के होती हैं सर। एक होती है कि आप छोड़ दो नेचुरली, कि बालों को छोड़ दो ऐसे बाबा लोग कर दें, बस छोड़ दिए वॉश करें। इसमें भी 2 प्रकार का होता है कि आप एक तो वॉश ही नहीं करते, बस छोड़ ही दो बालों को, वो कुछ महीनों में 4-5 महीनों में या 1 साल में वो जटाओ का रूप ले लेते हैं, डस्ट वस्ट गंदगी वंदगी भर भर के उनमें। तो ये होता है। दूसरा होता है कि आप अपने बाल छोड़े हैं बट आप उन्हें वॉश कर रहे हो, क्योंकि वॉश करके ना बाल ज़्यादा बेटर जटाएँ बनती हैं और थोड़ा सर में सही रहता है। क्योंकि मैंने जब बाल जटाएँ रखना शुरू किया तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं छोड़ दूँ इन्हें। मैंने 3-4 दिन हो गए थे पहले राउंड में, मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में छोड़े कंघी अंगी मारना बस छोड़ दिए थे वॉश करके। तो मैंने 6 दिन या 7 दिन बाद बहुत ज़्यादा खुजली होने लग गई थी, अंदर डैंड्रफ हो गया था मेरे बालों में। फिर मैंने बालों को वॉश किया तो थोड़ा सही लगा। फिर मैंने देखा कि 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन होते ही इनमें खुजली होने लग जाती थी और अंदर से डस्ट हो जाती थी डस्ट की वजह से। तो मैंने सोचा कि मेरे से नहीं होगा कि बालों को बस ऐसी छोड़ दो और गंदगी से बनेंगे। कई लोगों ने कहा मेरे से कि तू छोड़ दे, अगर तू वॉश करेगा तो टाइम बहुत लग जाएगा और तेरे इतनी अच्छी ड्रेड्स बन नहीं पाएगी, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ड्रेड जितने साफ बाल हैं उतने जल्दी बनेंगे गंदगी से। तो खुजली और ऐसे ड्रेड्स नहीं चाहिए जो बिल्कुल गंदगी हो, और यहाँ खुजली होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो यही है कि मैंने छोड़ दिया है और वो नहीं कर रहा हूँ मैं, कि गंदगी से नहीं, साफ साफ सुथरे ड्रेड्स बनाने हैं हमको, गंदे ड्रेड्स नहीं चाहिए। और दूसरे ड्रेड्स होते हैं, दूसरे टाइप के ड्रेड्स होते हैं कि आप मार्केट जाओगे तो वो एक सुई से ऐसे करके बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं बट बनाते हैं, और एक ही दिन में बन जाता है वो, 4-5 घंटे लगते हैं और आपके ड्रेड्स तैयार हो जाते हैं। वो होता है सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन होता है कि नकली ड्रेड आते हैं, नकली जटाएँ आती हैं, बस वो आपके बालों पर कनेक्ट कर देते हैं। तो मेरे को सबसे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही लगता है, निगलेट छोड़ दो, बस बालों को छोड़ दो वॉश करो और कंघी वंघी मत करो तो ड्रेड बन जाते हैं। हाँ, इसमें टाइम बहुत लगता है, 1 साल 2 साल, बट ये है कि इसमें एक जर्नी दिखती है जी। 1 महीने में इतने हुए, 2 महीने में इतने हुए, फिर 3 महीने में इतने हुए, धीरे धीरे करके बन रहे हैं। अब मार्केट से आप बनवा के लाओगे तो उसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट डे में ही आपके ड्रेड बन के तैयार हैं और उनका सबका शेप एक रहता है, एक जैसी दिखती हैं, बिल्कुल लुक सेम रहता है उनका, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। इसमें क्या होता है, हर जितने भी मेरे ड्रेड्स हैं उनका सबका शेप अलग होगा, कोई पतली होंगी, कोई मोटी होंगी, कोई टेढ़ी, कोई कुछ, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है और थोड़ा सा क्रेजी लगता है कि फ्री फॉर्म्स ज़्यादा बेटर लगते हैं रियलिटी में। और अगर उससे मार्केट से बनवा के लाओ तो उतने खास लगते नहीं है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे ड्रेड्स में मैंने कितना हो चुका है। इसको मैंने 2 मंथ हो चुके हैं इसको रखे हुए, कि जब मैंने इसमें कंघी वंगी कुछ नहीं करी है, बस मैंने वॉश करता हूँ हो गया, और 2 साल इन्हें समथिंग बाल मेरे पाले हुए हो गए। तो इसमें थोड़े ये छोटे से लग रहे हैं, मतलब मैं वॉश करता हूँ तो हाँ जैसे ये बाल है मेरा यहाँ यहाँ तक आ रहा है, तो वॉश करने के टाइम पे थोड़े बड़े लगते हैं। आपको दिखाऊँ मेरी इस साइड की एक ड्रेड है, काफ़ी सही बन गई, रुको ढूंढना पड़ेगा, खो जाती है वो। हाँ ये है मेरी ड्रेड, एक ये काफी सही लग रही है मुझे, ये मतलब बनना तैयार हो गई है। देखो एक बाल है इसमें, ये कनेक्ट हो गया है, ये पता नहीं कहाँ से गया है बट ये यहाँ से आके इसमें कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये निकलेगा नहीं बट ठीक है। ये देखो मेरी जटा बनने लग गई है, कनेक्ट हो गई है,
और काफी हो गए, बैक साइड पे ज्यादा हो गए मेरे। अगर मैं सेट की बात करूं, ये है सेट में एक जटा, ये है मेरी, इसमें भी दो तीन जटाएं जोड़ नहीं आई थिंक ये, बट हाँ बन रही है ऐसे अगर बात करी जाए तो। एक जटा बन गई है, तो बन काफी जटाएं गई हैं इसमें। ये है इधर को है, आगे की साइड से भी थोड़े कम बन रही क्योंकि इसमें हाथ लगते रहता है ऐसे ऐसे करके, मतलब खुल जैसी जाती है हल्की। और पीछे के साइड से क्या होता है, मैं पिलो में ऐसे करके सोता हूँ, बेड में सोता हूँ, तो उसके जिस स्क्रब मतलब हिलते हैं वो बाल एक दूसरे में उलझते हैं, तो बैक साइड से ज़्यादा बेटर बनना है। तो ये है यहाँ पर तक, ये 2 मंथ में इतने हो गए हैं, मतलब काफ़ी लग रहे हैं जटाई जैसे। ये देखो बस छोटी 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 जटाएं बन रही हैं मेरे हिसाब से ना, अभी ये एक दो जटाएं बन रही हैं छोटी छोटी पत्ती, फिर उसके बाद एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रही है। तो इसका सिंपली ये है कि अगर मैं जहाँ पर मुझे ज़्यादा मोटी दिखेगी या ज़्यादा कुछ दिखेगा तो मैं उनको अलग कर दूंगा, बट ठीक है कनेक्ट हो रही है, नेचुरल डेड है, कोई पतली कोई मोटी और सबका सेप अलग रहता है। तो ये सीन है फिलहाल। तो देखो मतलब 2 मंथ में काफी सही हो गई है, इसकी प्रोग्रेस काफी सही हो चुकी है 2 मंथ में, 2 महीने हो गए हैं और काफी सही प्रोग्रेस हो रही है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी मुझे, कि मुझे लगा था कि अगर मैं, मेरे से कई लोगों ने कहा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोचा था रेड्स के लिए कि मैं जटाएं रख लूँ अपनी, क्योंकि मार्केट से मुझे पसंद नहीं है बनाना, बट मैंने सोचा कि बनाए रख लूँ। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि कैसे करूँ क्या करूँ, मैंने यूट्यूब पर भी कई वीडियोज़ देखी, पर लोगों ने कहा कि धोना मत, धोगे तो एकदम से बनेगी नहीं, टाइम बहुत लेगी। हाँ आई थिंक ऐसा होगा, क्योंकि जब मैंने भी देखा है कि जब मैं धोता नहीं हूँ इसको जब तक, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा रहती हैं, और धोने के बाद तो हल्का हल्का रह जाता है, मतलब बाल निकलने लग जाते हैं और बेबी हेयर निकलते हैं मेरे यहाँ से। जैसे ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ना बेबी हेयर, ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम देते हैं छोटे छोटे हेयर। तो बोला मेरा होता है कि मैं वॉश करता हूँ, उसके बाद थोड़े से कम हो जाते हैं रेड्स, हल्के ढीले हो जाते हैं और निकलने लग जाते हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि गंदगी से तो बेस्ट है कि आप वैसे रखो, क्योंकि पता है क्या है, डैंड्रफ हो जाता है, खुजली होने लग जाती है, और बिल्कुल नहीं पता नहीं लोग कैसे रखते हैं। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि जो सालों तक अपने बाल नहीं धोते हैं, 8 साल 10 साल बाद 15 साल बाद अपने बाल धोते हैं, वो कैसे रखते हैं, उनकी खुजली नहीं होती होगी, पता नहीं, आई डोंट नो क्या सीन है, बट मेरे से तो नहीं है, तो मैं इन्हें वॉश करते रहता हूँ। अगर आपको भी रखते हैं तो सेम यही है कि इन्हें वॉश करते रहो, और वॉश करे हुए बाल ना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा साफ और क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखते हैं थोड़े बहुत। हाँ चाहे आप टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, एक हफ्ते में एक बार धो लो, मैं समथिंग 3 या 4 दिन में धो लेता हूँ इन्हें। तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही था, और कुछ नया अपडेट होगा, कुछ नई चीज़ें होंगी ड्रेड्स के लिए अपडेट देना होगा, या मुझे कहीं चाहिए आपको तो सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए। मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, ट्रैवल करता हूँ, थोड़ा लाइफ स्टाइल से भी वीडियो बना लेता हूँ कभी कभी, जैसे आज ड्रेड्स के लिए बनाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर लेना अगर वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक देख रहे हो तो, और सब्सक्राइब भी कर लेना है क्योंकि मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हूँ यार, 1000 तो करवा ही दो, 200 कुछ है मेरे, तो मुझे 1000 तो करने ही है, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, पहला अचीव तो करना है, एक सीढ़ी चढ़ जाऊँगा मैं। तो ठीक है मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ, ड्रेड्स के अपडेट दे दूंगा आपको, और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, आपको भी बताऊंगा इसके बारे में, ड्रेड्स के बारे में। तो ओके बाय, मिलते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हूँ मैं, तो 1000 सब्सक्राइबर तक तो पहुँचा ही दूँ, तो बाय बाय।